एचएल टीवी न्यूज। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अलग अलग संस्थाओं की तरफ से सिख श्रद्धालुओं का जत्था अमृतसर के निकट अटारी सीमा से जो बोले सो निहाल के जयकारों के साथ पाकिस्तान स्थित गुरुधामों की यात्रा के लिए रवाना हुआ था और इस सिख जत्थे को 10 दिन का वीजा मिला था। यह जत्था गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब, गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब, गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब लाहौर व अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबान के दर्शन करने के बाद स्वदेश लौटा। इस जत्थे में बुजुर्ग, युवा और बच्चे भी शामिल थे। इस जत्थे के बारे में जानकारी देते हुए जत्था से वापस आई गुरमीत कौर ने बताया कि वह ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबान के दर्शन करके और श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाकर वापस आए हैं। उन्होंने कहा कि पाक सरकार ने जत्थे को पूरी सुरक्षा दी थी और पाकिस्तान से उन्हें बहुत प्यार मिला है। ननकाना साहब देखा, पंजा साहब देखा, कल ध्यान के डेरा साहब लाहौर देखा। यह जी तो कोई गल नहीं गई, बाकी जिस तरह माहौल खराब दसते हैं वह भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रिस्पैक्ट करते हैं, अपने घर के मैंबर वागू समझते हैं। जिमें बाजार में भी कल लेडीज चली जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ अफवाह हो जाए नहीं फैलाने चाहिए, जिमें कोई फैलाव फैला है तो डरना भी नहीं चाहिए। गुरुद्वारा तो बहुत ही वधिया, जो थोड़ा जहा है वीक तो डेरा साहब लाहौर है, बाकी सब ठीक ठाक है। हाँ अस्तवाल चलिए, नगर कीर्तन बाहर भी लेके आए। हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी हुई, डर सीगा पहला जिमें कहते डर आओ तालबानी इंज कहें पर कोई गल नहीं। अमृतसर से हलचल टीवी के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट। हलचल टीवी न्यूज़।